पेंटिन में अपीयर होने वाले स्मार्ट और फनी कैरेक्टर्स में से केविन लेविन सबसे ज्यादा फेमस है। पेंटिन की सीरीज में केविन ने कई बार अपने स्मार्टनेस का यूज करके बेन की मदद किया है, लेकिन हम उनमें से टॉप 5 ऐसे टाइम्स को कंसीडर करेंगे जब केविन ने अपने स्मार्टनेस का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया था कि वो प्लम्बर्स के लिए कितना यूजफुल है। अगर आप लोग भी केविन के स्मार्टनेस के दीवाने हो तो आप लोग ये जरूर जानना चाहोगे कि केविन ने कब और कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। गाइस, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको टॉप 5 टाइम्स क्वीन यूज्ड और स्मार्टनेस के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए या नहीं। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, फिट पाइंडर इन हिज कंटेनमेंट सूट। केविन ने पाइंडर को डिफीट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टेप लिया। बेंटन अल्टीमेट एलियन में अपीयर होने वाले 5 अंडरवर्ल्ड एलियंस में से पाइंडर सबसे पावरफुल था, इसलिए पाइंडर को पकड़ना मुश्किल था। लेकिन बेन की टीम की मुश्किल तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब पाइंडर अपने सूट से बाहर आ गया। बेन जब अल्टीमेट कैनबॉल बनकर केविन और पाइंडर को उसके सूट के साथ रोल करता है, तब केविन पाइंडर को उसके सूट के अंदर डाल देता है। अब ये होते हुए हमें ऑन स्क्रीन सही से दिखाया नहीं गया है, लेकिन केविन मेटल को ऑब्जर्व कर पाने की वजह से पाइंडर के कवच को तोड़ सकता है और जोड़ भी सकता है, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाकर पाइंडर को उसके सूट के अंदर डाल दिया, वरना पाइंडर को तब हराना पूरा नामुमकिन था। बेन भी केविन के इस आइडिया को समझ नहीं पाया था, जिस आइडिया को शो करके केविन ने अपने स्मार्टनेस को साबित कर दिया था। तुमने अंदाजा कैसे लगाया कि मैं कवच को एब्जॉर्ब करके उसे पाइंडर पर लपेट सकूंगा? अच्छा, तो तुमने ऐसा किया। नंबर 2, हैक प्लम्बर डाटा। प्लम्बर्स अपने हर डाटा को फुल सिक्योर रखते हैं, लेकिन केविन ने इजीली प्लम्बर्स के डाटाबेस को फाइंड कर लिया था, जो कि हमें बेंटन एलियंस मूवी में देखने को मिला था। केविन ने जो डाटा फाइंड किया था वो सब पासवर्ड से सिक्योर थे, लेकिन सरप्राइजिंगली केविन ने उन पासवर्ड को भी फाइंड कर लिया था। एक्चुअली केविन को इंटरगैलेक्टिक टेक के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है, इसलिए वो प्लम्बर टेक्नोलॉजी को हैक करने में सक्सेसफुल हो पाया था। क्या डेटा है इनमें? डेटा मिलता पर लॉक है, लेकिन पासवर्ड निकाल सकता हूँ। नंबर 3, यूज आइडिया टू डिफीट रैग्नारोक। केविन को पता था कि रैग्नारोक उसके पापा डेविल लेविन के खूनी है, इसीलिए वो उसे जान से मारना चाहता था। उसे पता था कि अगर बेन और गुइन उसके साथ आते ही तो वो दोनों रैग्नारोक को सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए कहेंगे और उसे जान से मारने नहीं देंगे। सो केविन ने यहाँ रैग्नारोक तक सिर्फ पहुँचने के लिए उन दोनों का मदद लिया, और मदद पाने के तुरंत बाद ही उसने उन दोनों को एक इमरजेंसी स्पेसशिप से अर्थ को भेज दिया। इसके लिए उसने उन दोनों को बेवकूफ बनाया और उनके अनजाने में उसने उन दोनों को एक स्पेसशिप के अंदर भेज दिया जो कि ऑटो पायलट मोड पे था। अब बेन और गुइन चाहते हुए भी केविन की मदद नहीं कर सकते हैं। इस तरह केविन ने अपने दोस्तों को सेव किया, साथ ही अपने पापा की मौत का बदला भी ले लिया। कभी गाइस जल्दी यहाँ आओ, इस तरफ वो मिल गया, जरा तैयार रहना, वो कुछ भी है। और फोर, प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम मैरिंग प्रिंसेस लुमा। केविन ने अपने आप को बचाया था प्रिंसेस लुमा से मैरिज करने से, पर उसने यहाँ बेन को फंसा दिया था। केविन ने खोरस प्लैनेट पे प्रिंसेस लुमा को हराकर एक टेट्रामैन कार जीत लिया था, लेकिन उसे इसके लिए लुमा के साथ वेडिंग भी करनी पड़ी। कुछ साल बाद लुमा रिटर्न करके केविन को ढूंढने लगी मैरिज के लिए, पर केविन था एक चालाक इंसान, उसने लुमा और बेन के बीच फाइट करवाया, पर बेन को इसके नतीजे के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। फाइट में बेन जीत जाता है। इसके बाद लुमा बेन से वेडिंग करने के लिए कहती है, और इस तरह केविन ने अपनी जगह बेन को फंसा दिया और लुमा से पीछा छुड़वा लिया। इसलिए ही केविन बेन को तब चीयरअप कर रहा था जब बेन लुमा के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन तब कोई भी ये समझ ही नहीं पा रहा था कि केविन इतना उछल क्यों रहा है। कम ऑन बेन, जरा अपनी ताकत का नमूना तो दिखाओ। तो मतलब अब मैं और तुम्हें, तुम्हें पता था ये सब हो रहा है? नंबर 5, जॉइन द रूटर्स टू डिफीट देम। तो रूटर्स को डिफीट करने के लिए केविन ने उनकी टीम को ज्वाइन कर लिया था। उसे हमेशा से ये पता था कि तो रूटर्स बुरे हैं, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं है कि उनको हरा सके, तो दुश्मनों को हराने के लिए उसने दुश्मनों की टीम को ज्वाइन कर लिया था। इस टाइम सब लोग ये सोच रहे थे कि केविन उनको धोखा दे रहा है। केविन बेन से फाइट करते टाइम ऑमनिट्रस को ऑब्जर्व करके म्यूटेंट बन जाता है। सब लोगों ने रूटर्स से जीतने का होप खो दिया था, लेकिन इस टाइम केविन अचानक डॉक्टर सर्वेंटिस के ऊपर अटैक करके उसे डिफीट कर देता है और प्लम्बर हेल्पर्स के मेमोरीज को भी सही कर देता है। केविन को वापस पाके सब खुश होते हैं और उसे उसकी स्मार्टनेस के लिए तारीफ भी करते हैं। मैं प्लम्बर हेल्पर्स को पहले ही आजाद कर देता, लेकिन इसके लिए मुझे सेवेंटिस और एमलगम्स को एक ही जगह लाना था। सोचा नहीं था कि तुम आकर चीजों को और मुश्किल कर दोगे, हमेशा की तरह। तो गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप लोग बेंटन से रिलेटेड दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।